सो so फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को सो so, इंपॉर्टेंट है इस बार बजट 2022 में हो सकता है इनकम टैक्स को रिप्लेस कर कर यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाए तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर टैक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों इनकम टैक्स जो है यहाँ पर रिप्लेस किया जाना चाहिए तो आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देंगे विथ एग्जाम्पल के साथ तो एग्जाम्पल से आप इजी वे में समझ पाएंगे कि एक्सपेंडिचर टैक्स लगाना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किन लोगों को अफेक्ट करेगा क्या ये लोअर और मिडिल क्लास ग्रुप को इफेक्ट करेगा या हायर और रिच पर्सन को समझते हैं कि टैक्स किस पे लगता है टैक्स जो लगता है एक बेस पे लगता है सर एक बेस पे लगता है जो अभी तक लग रहा है वो इनकम के बेस पे लग रहा था इनकम पर जो है टैक्स लगाया जा रहा था बट अब इस बार हो सकता है बजट में शायद अनाउंस कर दे कि अब आपका जो बेस है वो चेंज कर इनकम से एक्सपेंडिचर यानी आपके खर्चों पर जो है टैक्स लगाया जाएगा खर्च पे पहले क्या था जो आपने इनकम अर्न करी अलग अलग सोर्सेस से आपने इंटरेस्ट अर्न किया बैंक से एफ का इंटरेस्ट अर्न किया सैलरी की प्रॉपर्टी बेची तो वो इनकम आई बिजनेस से जो प्रॉफिट किया वो इनकम आई उस इनकम पर आपका टैक्स लगता था बट अब आप जो खर्च करते हैं उस पर अभी तक कोई टैक्स नहीं था तो अब जो है गवर्नमेंट आपके खर्च पे जो है टैक्स लाने वाली है और इनकम पे टैक्स हटाने वाली है क्या ये पॉसिबिलिटी है? आइए समझते हैं। अगर इनकम से खर्च हटा दिया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो कंजम्पन है जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएंगे उससे क्या होगा आपकी सेविंग होगी उसी के साथ पर्सनल इनकम टैक्स हटाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा 6 करोड़ लोगों को वो फ्री हो जाएंगे आई फाइल करने से उनका जो बर्डन है वो एक तरह से कम हो जाएगा अगर इनकम टैक्स हटा दिया तो बिकॉज आई टी आर नॉर्मली नए एंटरप्रेनर और स्टार्टअप पे लग रहे हैं जबकि जो स्टार्टअप है एंटरप्रेनर है उनको बूस्टअप देना चाहिए जो नहीं है फिलहाल अभी दे आर नॉट ए नया स्टार्ट करने के लिए आपको सभी टैक्स कंप्लायसेस करने पड़ते हैं जो प्रोडक्शन कर रहा है उन पर टैक्स लग रहा है और जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनकम टैक्स का क्या पे स्टार्टअप न्यू एंटरप्रेनर्स पे टैक्स कंप्लायसेस टैक्स रिटर्न और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं रेगुलेशन ऐसे आपको मेनटेन करने पड़ते हैं रिकॉर्ड रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत ज्यादा एक टाइडली प्रोसेस है ये स्क्रूटनी करना है मिलियंस ऑफ रिटर्न की क्वेरीज ढूंढनी है उसमें क्लैरिफिकेशन रिफंड करना है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का काम है जो इनकम के वजह से हो रहा है इनकम टैक्स में जो हो रहा है तो उसको रिप्लेस अगर कर दिया एक्सपेंडिचर टैक्स पे तो लिटिगेश दोनों के लिए सिटीजन्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी इनकम so, टैक्स हटाने के लिए यहां पर विचार चल रहा है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लाई करती है टीडीएस। तो ये फ्री हो जाएगी बर्डन से फ्रॉम कलेक्टिंग रेमिटिंग सबमिटिंग वेरियस रिटर्न अगर पर्सनल इनकम टैक्स हटा दिया तो नाउ बहुत सारी ऐसी कंट्रिया हैं जहां पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता यूएई है सऊदी अरब है कुत है ओमान है ये सभी कंट्रियां जो सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है कंट्रीब्यूट करती है ये सभी कंट्रीयां जो है अपनी गव, जो भी इनकी जो पब्लिक है जनरल पब्लिक है वो कहाँ पर पीपल जो है वो कहाँ कंट्रीब्यूट करती है वो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है ना कि वो एक्सपेंडिचर करती है अननेसेसरी चीजों में सो so यहाँ पे कंट्री बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो टैक्स हेवन है जहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगता वो मैनेज करती है यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू फंड गवर्नमेंट एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के फंड को मदद करती है नॉर्मली देखा गया कि इनकम टैक्स जो है मिडिल क्लास पर्सन पे जो सैलरीड पर्सन है वही देते हैं नॉर्मली क्लर्क हो गया टीचर हो गए अकाउंटेंट हो गए ये सभी जो सैलरी देते हैं ये मिडिल क्लास पर्सन है और यही ज्यादा टैक्स देते बट रिच पर्सन जो है वो बच जाते हैं डिविडेंड कैपिटल गेन जो मेजर सोर्स ऑफ उनके इनकम है अदर देन सैलरी उनपे वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते टैक्स इवेजन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अराउंड एटी सिक्स हंड्रेड इंडिविजुअल्स सिर्फ अपनी इनकम शो करते पांच करोड़ से ज्यादा सिर्फ एटी सिक्स हंड्रेड इंडिविजुअल्स उसी के साथ फोर्टी टू हंड्रेड एट हंड्रेड जो है डिक्लेयर करते अपनी टैक्सेबल इनकम सिर्फ एक करोड़ से ज्यादा और चार लाख से ज्यादा पीपल अपनी इनकम 20 लाख तक डिक्लेयर करते हैं अराउंड 63% ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल से किया जाता है सर जो अराउंड अबाउट इनकम टैक्स पेइंग बेस अराउंड 1.5 करोड़ पीपल है सर 99% यहां पर जो है टैक्स की रिटर्न तो फाइल करते हैं पर टैक्स बिल्कुल नहीं देते सिर्फ एक परसेंट ही जो है लोग टैक्स पॉपुलेशन में से टैक्स देता है द पीपल हु पे मोस्टली द क्लास पर्सन बिकॉज वो टैक्स चोरी नहीं कर पाते बिकॉज उनका पातेडी टीडीएस डिटेक्ट कर लेती है कंपनी फॉर्म पर्सनल इनकम टैक्स इफेक्टिव है कलेक्टेड फ्रॉम सैलरीड इनकम पर सभी बाकी सब जो है एस्केप कर जाते हैं अडोप्टिंग डिफरेंट मैथड अलग अलग मैथड यूज करके कर. क्लास पर्सन टैक्स पे करते हैं ऑन इनकम पर और फिर स्पेंड करते हैं फिर खर्च करते हैं अपनी नेट इनकम पर बट नॉन क्लास पर्सन पहले स्पेंड करते हैं पहले खर्च करते हैं और फिर अपनी लाइवलिटी को भी रिड्यूस करते हैं जैसे कि रेंट फोन इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, वाटर एंटरटेनमेंट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर यूज करते हो रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ बाईस सौ डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर प्रोफेशनल अपनी डिस्क्लोज करते हैं इनकम एक करोड़ से ज्यादा बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट है जो हार्डली कोई इनकम टैक्स पे करते हैं आपने सुना होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर जो खेडूत है वो अपने बेटो बेटियों की शादी में पचास लाख दे दिए एक करोड़ दे दिए बट इनकम टैक्स जीरो पॉलिटिशियन बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते दे डू नॉट पे टैक्स एनी टैक्सेस प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ वन परसेंट पॉपुलेशन जो है वो टैक्स पे करता है लेस देन वन परसेंट सर एक सौ पैंतीस करोड़ की जनता में सिर्फ वन परसेंट यहाँ पे जो है टैक्स पे किया जाता है उंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड करोड़ है उसमें से इनकम टैक्स का ट्वेंटी नॉर्मल टेंडेंसी देखी गई है कि पीपल जो है टैक्स बचा लेते हैं टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस करके वो ये समझते कि tax liability reduce करना उनका रेजिटमेंट लाइट है पर इवेजन भी एक ऑफेंस है एक ब्लैक मनी है जो इकोनॉमी को ब्लॉक कर देती है कैसे ब्लॉक करते हैं प्रॉपर्टी और गोल्ड में निवेश करके अपनी ब्लैक मनी को प्रॉपर्टीज में में गोल्ड्स निवेश करके तो पर्सनल इनकम टैक्स अगर रिप्लेस हो जाए एक्सपेंडिचर टैक्स से तो यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं जेनुअन इनकम को इनटू ब्लैक मनी में कोई स्कोप नहीं रहेगा जो जेनुअन इनकम है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं होगी थ्रू टैक्स इवेजन के थ्रू लोग करते हैं तो यहां पर एंटायर जो जितना भी फंड होगा वो गवर्नमेंट के पास प्रोडक्टिवली अवेलेबल होगा बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है सीआर सी जो है बैंक अपने पास रखती है तीन परसेंट पर एसआर जो है नाइनटी सेवन परसेंट लेंडिंग कर देती है ये समझ के कि सेवन फिर उनको जाके तीन परसेंट देगा और फिर वापस उसमें से नाइन्टी सेवन परसेंट ये जो है पब्लिक में डिपॉजिट करेंगे तो यहां पर एक्सपेंडिचर टैक्स सिमिलर है इनकम टैक्स से बट एक की डिफरेंस यहां पे बेस जो होगा वो एक्सपेंडिचर होगा ना कि इनकम जो रेट होगी वो नॉर्मली हाई होगी सो so, यहां पर अब आप आपको एग्जाम्पल बताते हैं एक सैलरीड क्लास पर्सन है जो क्लर्क टीचर समझ लीजिए क्लर्क है टीचर है जिसकी इनकम समझ लीजिए दस लाख है सैलरी अलाउंसेस पर मिलाकर कोई भी डिडक्शन है उसमें तो डिडक्शन कम करके स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से कम कर लीजिए पचास हजार यानी साढ़े नौ लाख रुपए उनकी इनकम आती है उसमें से एटीसी का अगर डिडक्शन ले लेते हैं LIC प्रीमियम का ट्यूशन फीस का रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का तो वो डेढ़ लाख तक की आपको छूट मिल जाती है तो आठ लाख की उनकी इनकम होती है उसमें से एटी में अगर वो मेडिक्लेम ले ले, ले ले लेते हैं ए का अगर मेडिक्लेम अगर ले लेते हैं खुद का और पेरेंट्स का तो पिछहत्तर और उनको डिडक्शन मिल जाएगा यानी सात लाख पच्चीस फिर भी उनकी नेट इनकम होगी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्स देखा जाए तो ढाई लाख तक नील है ढाई से पांच लाख तक 12500 होगा हो और पांच लाख से सात लाख पच्चीस तक 20% है सर यानी 45000 हजार अराउंड एक सैलरीड पर्सन को यहां पर टैक्स पे करना पड़ जाता है नियरली फिफ्टी जो ऑलरेडी उनका टीडीएस डिटेक्ट हो चुका है तो उसमें से कम हो जाएगा तो यहां पे अराउंड एक नॉर्मली सैलरीड से, पर्सन जिसकी इनकम दस लाख है तो वो यहां पर फिफ्टी एट थाउजेंड की जो है टैक्स पेमेंट करता है यानी अपने पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इनकम का पॉइंट फाइव परसेंट सॉरी फाइव परसेंट ऑफ इनकम का पांच परसेंट जो है वो टैक्स पे करता है नेक्स्ट नॉन सैलरी क्लास की पर्सन की बात करें जो टैक्स इवेजन के अंदर है जो नॉन सैलरी क्लास पर्सन है जो टैक्स इवेजन करते हैं उनकी बात कर रहे हैं सेल दिखाते हैं पचास लाख की परचेज दिखाते हैं बीस लाख की और खर्चे दिखा देते हैं सर पच्चीस लाख तक के सैलरी दिखा देते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी दिखा दी जो एक्चुअल में होंगे नहीं तो बर्डन इन्होंने शिफ्ट कर दिया यह सैलरी क्लास सभी एक्सेंटेड हो गए दो दो लाख की इनकम दिखाकर तो क्या हो गया टैक्स की चोरी हो गई यहां पे रेंट दिखा दिया एक्चुअल में है नहीं तो रेंट की चोरी हो गई क्योंकि ट्रांसफर कर दिया इन्होंने पच्चीस लाख किसी और पर जो टैक्स इवेजन करते हैं जो इस एक्टिविटी में है टैक्स इवेजन करते पच्चीस लाख की इनकम यहां पे इन्होंने कम कर दी तो इनकी इनकम कितनी हो गई पांच लाख डिडक्शन गलत क्लेम कर लेते हैं डेढ़ लाख का एटीसी का है ही नहीं फिर भी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं एटीडी का भी नहीं होगा फिर भी क्लेम कर लेंगे तो दो लाख पिछहत्तर तक की ये इनकम ले आते हैं और उसमें नील बराबर ढाई लाख तक टैक्स देते हैं और पिछहत्तर हजार पर साढ़े तीन हजार का टैक्स तो सर यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं एक सैलरीड क्लास पर्सन यहाँ पे फिफ्टी एट थाउजेंड का टैक्स देता है और एक नॉन सैलरीड क्लास पर्सन थ्री सैतीस का ही टैक्स देता है यानी अराउंड तिरपन हजार का जो है डिफरेंस यहाँ पे साफ साफ नजर आता है अगर ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो चो फिफ्टी फोर थाउजेंड का टैक्स का डिफरेंस नजर आता है तो इस एक्टिविटी को बंद करने के लिए यहां पर जो है गवर्नमेंट अब जो है आपके खर्चों पे जो लोग एक्सपेंडिचर को यहां पर जो है यूज कर, कर टैक्स इवेजन कर जाते हैं अब उनकी जो है इनकम पर जो है टैक्स ना लग के एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाया जाएगा बट ये लगाना इतना आसान नहीं है एक्सपेंडिचर टैक्स बिना रिसर्च करे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है हमारे हिसाब से बिना रिसर्च करे नहीं लगाएगी बिकॉज इसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है अगर एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगा दिया तो जो नॉन सैलरीड पर्सन है वो अपने एक्सपेंडिचर ही कम कर देगी तो उस केस में क्या होगा बहुत सारे इश्यूज आते हैं एक्सपेंडिचर कम कर देगी जो जेनुअन है वो भी एक्सपेंडिचर अपने कम कर देंगे सैलरी कम बांटना चालू कर देंगे तो उससे क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो प्रोडक्शन घटेगा प्रोडक्शन घटेगा तो जीडीपी घट जाएगी तो बहुत सारे इश्यू है तो इतना आसान नहीं है एक्सपेंडिचर टैक्स लाना और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद